गाइस, तो आज की वीडियो में हम पिचकारी तो हमने पहले बना ली थी, आज इसका बैग बनाने वाले इसको कैसे बनाते हैं सिलसिला के अंदर वीडियो पूरी हो जाना। अब हमें जब नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बनाना स्टार्ट करना। इसको बनाने के लिए हमारी पिचकारी की होगी गाइस, हमने इसको बनाना सिखाया, आपने जाके वो नहीं देखी जाके देखना, मैं कमेंट में दे दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि आप वहां पे जाके लिंक पे क्लिक करके ये देख सकते हो या अपने चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। तो गाइस कुछ इस प्रकार से बहुत पावरफुल है, इसे हमने 12 वोल्ट का हाई पंप लगाई, 20 फीट तक पानी रहता है गाइस। आपने जाके नहीं देखी जाके देखना वीडियो, उसमें फुल टेस्टिंग करके दिखाई है। तो गाइस पहले इसके ऊपर ये रबड़ कैप आती है, जैसे तो कुछ इस प्रकार से रबड़ कैप, ये भी अब आपको आवश्यकता होगी, इसके साथ में मोटर के साथ में ये मिल जाएगी। ओके, जैसे आपको पता चल जाएगा वो वीडियो देखोगे तो। और फिर अपन को चाहिए होगा एक टेगेन, क्या कहते हैं इसको गाइस, इसको मेरे को कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा। पहले गाइस आप कमेंट कर दो कि इसको क्या कहते हैं गाइस। जैसे थोड़ा वाटर टैंक ले रहे हैं हम गाइस, देख सकते हो ये 5 लीटर का पानी इसमें आराम से आ जाएगा। और इसके देख सकते हो इस पे ऊपर कैप लगती है, एक और कैप लगती है, इससे अपना पानी भी नहीं निकलेगा। तो गाइस कुछ इस प्रकार से इसमें छेद भी है, यहाँ अपन छेद करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ गाइस, आपको एक चीज की ये आवश्यकता होगी क्योंकि ना ये आपको 10 रुपए में मार्केट मिल जाएगा गाइस। मैंने सब सामान के साथ में ये लेके आया था, मैं इसका नाम भूल चुका हूँ गाइस। ये नल में लगता है पानी के, यहाँ पे लगता है और यहाँ पे नली लगानी होती है ना, जो यहाँ पे लगा सकते हैं बड़ी छोटी। ओके गाइस, तो आपको ये 10 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में, आप लेके आ सकते हो ये भी। और आपको एक नली चाहिए होगी, और देख सकते हो गाइस मैंने खराब वेस्टेज की नली ले ली थी गाइस, ये गाइस कहाँ से भी लीकेज नहीं है गाइस, आपको नली ले लेनी है। मैं देखो गाइस मैंने नली ले ली है बहुत सारी बड़ी वाली, आपको छोटी वाली नहीं लेनी, आपको बड़ी वाली लेनी है। तो गाइस ये 10 रुपए वाला आता है ना ये नल कनेक्टर, इसको आपको अंदर ही आ जाएगी बहुत आता है सेम, और ऐसे लग जाएगी। ओके, पहले ये इसको लगाने के लिए अपन को ना इस वाटर टैंक के अंदर नीचे छेद करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो इतना से यहाँ पे छेद कर देंगे यहाँ तक। ओके, यहाँ तक करना पड़ेगा गाइस, यहाँ तक। ओके, इसके अंदर आ जाए। ओके, जल्दी से यहाँ पे छेद कर लेंगे सोल्डरिंग आयरन से। तो गाइस ये हम इस कनेक्टर को हमने ना यहाँ पे ना ये क्या कहते हैं वायर है ना, यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से खींच लेंगे इसको यहाँ पे लगा के। ओके, जल्दी से अभी काम कर देते हैं। तो गाइस जैसे हम मैंने निकाल लिया है, तो गाइस बहुत टाइट हो चुका है, पर गाइस थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे ना ग्लू गन लगा देंगे जिससे ना ये पूरा टाइट हो जाए, दिल से लगा देते ग्लू गन। तो गाइस हम ग्लू गन तो लगा लिए, जैसे तो बहुत अच्छे से एयर टाइट हो चुका है, पानी भी नहीं निकलेगा, अब सूखने देते हैं इसको। गाइस मैंने इसके ऊपर ना पिचकारी के ऊपर नली भी फिट कर दी थी, जैसे तो यहाँ पे ना मैंने गर्म करके इसको यहाँ पे लगा दिया है, और इस पे ना ये लगा दी कैप जिससे पूरा एयर टाइट हो सके। गाइस जैसे तो ये बहुत आसान है गाइस, आप इसको लगा सकते हो, बहुत आसान है। इसको आप ना हीट गन से, गैस के चूल्हे से इसको गर्म करके, लाइटर से, मैं लाइटर से किया था इसको गर्म करके, फिर इस पे लगा दिया। ओके, और फिर इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ पे फिक्स कर दिया। ओके गाइस, बहुत सिंपल है, जैसे अभी चल रहा है देख सकते हो गाइस। अब इसको अपन को क्या करना है कि ना ये सूख जाए तो फिर ये लगाएंगे, तो पहले अपन इसके ऊपर ना स्ट्रैप लगाएंगे जिससे अपने ना कंधे पे आ सके। ओके गाइस, तो कंधे पे लगाने के लिए हमारे को 2 छेद करेंगे यहाँ पे, एक छेद तो हमने यहाँ दोनों पे कर दिया है, यहाँ पे एक यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे। तो गाइस इसको हम लगाएंगे, एक ना प्लास्टिक की नली आती है जिसमें वो राजमिस्त्री नेवल नापते हैं जो लगाएंगे। ओके गाइस, तो गाइस जैसे तो कुछ इस प्रकार की राजमिस्त्री की यहाँ पे मिलती है, बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको ना, पाइप की दुकान रहती है जहाँ पे भी ये मिल जाती है गाइस। वो राजमिस्त्री की दुकान पे ना मिले तो आपको यहाँ पहले इसको यहाँ पे ना कॉपर की वायर से लपेटेंगे, इस पे कॉपर की वायर, फिर कॉपर की वायर नहीं लपेटो तो इसमें हम छेद करके यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे जिससे ना ये बहुत ज्यादा टाइटली हो सके, और इस पे थोड़ा वायर लगा देंगे। दोनों को ऐसे कर लेते हैं जल्दी से, देख सकते हो मैंने बहुत मजबूती से यहाँ पे स्क्रू भी लगा लिए हैं। अब इनको यहाँ पे लगा देते हैं, कॉपर वायर की आवश्यकता से हमें दोनों पे लगा देते हैं जल्दी से, फिर इसकी अपन टेस्टिंग करेंगे। ओके गाइस, जो जल्दी से लगा लेते हैं गाइस, देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा लिए स्ट्रैप्स को, अब इस पे पानी भर के इसकी टेस्टिंग करेंगे, जल्दी से चलते हैं पानी भरते हैं। तो गाइस देखते हैं अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, हमने लगा लिया है, अब इसको पानी भर के इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने इसमें पानी भर लिया है, लोडेड कर लिया है गाइस, थोड़ा बहुत ज्यादा पानी नहीं किया है मैंने, ज्यादा लोडेड, अब इसको टेस्टिंग करते देखो गाइस, देख सकते हो गाइस कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, देख सकते हो गाइस कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, देखो गाइस कितने अच्छे से वर्क करता है। तो गाइस इससे अपन ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कर करके ना अपन सबको गीला कर सकेंगे, देख तो कुछ इस प्रकार से वर्क करता है गाइस। इसको ना अपने पिचकारी, ये तो सिंपल बात थी, आपने ये जाके पिचकारी नहीं देखी जाके देखना, इससे ये ज्यादा मेन है, और ये तो लगाना सिंपल ही है गाइस। इससे आप ना वाटर टैंक बहुत अच्छे से बना सकते हो गाइस, देख सकते हो कितना ज्यादा प्रेशर है गाइस, देखो गाइस
अब वीडियो को एंड करते हैं गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।